हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सौरभ। तो फाइनली हमारा सर्किट पूरा हो गया है। कुछ काम बाकी था, नोट्स बनाने का कुछ काम बाकी था, आपके लिए ही था ये सब काम। जो कुछ कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। तो एक सब्सक्राइबर का, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मतलब सुबह आज देखा कि कमेंट किया है सर्किट देने के लिए। ठीक है, तो फिर इसलिए सर, मतलब जो नोट्स तैयार कर रहा था वो पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, मेरे बात आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेने का नहीं। तो अभी प्रैक्टिकल देखा देते हैं, उसके बाद सर्किट के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो सर्किट देख रहे हैं आप, इसका बहुत सारा आइडिया सोच के बनाया गया है। इस जो एप्लीकेशन देख रहे हैं आप, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, इसका एप्लीकेशन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि रिमोट कंट्रोल कार, जो कि ट्रॉय कार होता है बच्चों के लिए, वो भी बना सकते हैं। इसके साथ 8 चैनल आप रिमोट कंट्रोल सर्किट यूज़ करते हैं, मतलब घर में कोई भी लाइट को या फैन को, टीवी, कोई भी चीज़ को आप रिमोट से ऑपरेट कर पाएंगे विदाउट माइक्रो कंट्रोलर से। इसका डिस्टेंस काफ़ी हाई है, जैसे घर में रिमोट में जितना हाई डिस्टेंस होता है लगभग उसी की तरह है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकता है। तो वो एक कहा कि रिमोट कंट्रोल कार के लिए हो सकता है, डिजिटल कंट्रोलिंग के लिए किया जा सकता है। डिजिटल कंट्रोलिंग क्या है आपको बता देता हूँ। एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये जो सर्किट मैंने बनाया 3 चैनल के लिए, आप चाहे तो इसको मैक्सिमम रिमोट की हिसाब से 8 चैनल तक बना सकते हो। मेरे जो की है एक्चुअली ए वन है, 0 था। तो एक्चुअली बता दे रहा हूँ कि 1 2 3 4 9 की है। तो हमारा काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 है। एक हमारा फ्लैश लाइट है, देख पा रहे हैं, ये जो फ्लैश लाइट है, ठीक है। तो 8 चैनल है। तो आपको बता दो इसका जो मैक्सिमम आप बना सकते हो आपकी आइडिया के हिसाब से। अगर आपका किसी का चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम 99 चैनल तक बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 1000 चैनल भी बना सकते हो, मतलब 999 भी बना सकते हो, लेकिन उसमें डिले ज़्यादा हो जाएगा। 99 तक आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चैनल को आप ऐड कर सकते हो इसी सर्किट को। उसमें क्या होगा, जैसे हम 10 नंबर रिले को ऑन करने के लिए 1 और 0 को प्रेस करना है, 45 के लिए 4 5, जैसे हम मोबाइल में नंबर एंटी करते हैं 45, मतलब फर्स्ट पहले 4, फिर उसके बाद 5 दबाएंगे, 50 के लिए 5 दबाएंगे, उसके बाद 0 दबाएंगे। तो इसी तरह आप 99 चैनल तक बना सकते हो अप टू, मतलब डिले ज़्यादा नहीं होगा। एडवांटेज ये है, ये विदाउट माइक्रो कंट्रोल से बना है सर्किट। डिसएडवांटेज ये है, इसमें एरर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एरर को डिटेक्ट करने के लिए और मतलब एरर को रिमूव करके फ्रेश करने के लिए कोई भी सर्किट इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसा किया जा सकता है, इसको भी बहुत ही एडवांटेज बनाया जा सकता है। CD4017 जो 4017 IC का ये जो सर्किट है, इसको बहुत ही एडवांटेज बनाया जा सकता है, ठीक है। इतना ज़्यादा एडवांटेज करने का ज़रूरत भी नहीं है, घर के लैम ही तो हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको एज ए पासवर्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, पासवर्ड लॉकिंग की तरह। एक कीबोर्ड का काम करेगा ये सर्किट आपका, ऐसे मतलब रोल लॉक को रिलीज करने का काम करेगा, ये सब कर सकते हो। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज, काफ़ी बात करना था, मतलब काफ़ी कुछ बताना था आपको, लेकिन टाइम तो नहीं है दोस्तों, क्या करें। काफ़ी दूसरा दिन में बताऊँगा, दूसरा वीडियो में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर्किट बनता है कंपोनेंट से, मतलब IC, रजिस्टर, कैपेसिटर, इतना ज़्यादा, मतलब जितना भी कंपोनेंट है इससे बनता है सर्किट। लेकिन सर्किट क्या बनता है, देखिए इसमें भी 4017 IC है, इसके अंदर भी है, मैं खोल के दिखाऊंगा। तो बनेगा क्या, तो जो चीज़ आप बनाएंगे आपकी आइडिया के हिसाब से बनेगा, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग हम करते हैं, प्रोग्रामिंग का जो डेफिनेशन होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम इंस्ट्रक्शन को सेट करके एक प्रोग्राम बनाते हैं, तब जाके एक काम को कर पाते, कोई भी काम परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। तो हम एक एल्गोरिदम के थ्रू, मतलब हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो इसी तरह हम एक अरेंजमेंट करके पूरा इंस्ट्रक्शन को तैयार करके एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसी तरह देखिए,
ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, आईसी वगैरह जो जितना भी यूज़ किया हूँ, आप ये सब कंपोनेंट लाइटिंग सर्किट में भी यूज़ करते हो, लेकिन इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है, इस एक एल्गोरिदम की तरह सजाया गया है जो कि आप एक रिमोट रिसीवर की तरह काम कर रहे हैं। ये भी एक रिमोट की तरह काम कर रहे हैं, एकदम प्रोफेशनल रिमोट तो नहीं है, लेकिन इस ये भी को मतलब काम नहीं है उससे, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम 8 चैनल तक आप बना सकते हो। तो ऑपरेशन देख लीजिए, मैं आप कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, एक चार्जिंग इंडिकेटर है, मैंने अभी भी इसका चार्जिंग पोर्ट और स्विच की लगाया नहीं हूँ, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल रहा है, और मेरे पास की मतलब चार्जिंग पोर्ट भी नहीं है, जो सी टाइप बी टाइप होता है वो भी नहीं है मेरे पास। छोटा सा की चाहिए पावर को आप ऑन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इस तरह ऑन करके रखेंगे तो पावर मतलब ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा बैटरी, ठीक है। जब रिमोट को यूज़ करें तभी पावर को ऑन करें, तो इसीलिए एक पावर की लगाना है। सर्किट में सारे बात बता देंगे, ठीक है। तो एक नंबर की को दबाएंगे, कब तक दगाना है, इसका जो डिस्टेंस तो मैंने कह दिया कि काफ़ी हाई है। उसके बाद इसका ऑपरेशन है, मतलब ये जो इंडिकेटर ग्रीन वाला जो इंडिकेटर है, एक ट्रांसमिशन इंडिकेशन है। जब तक आपका डेटा ट्रांसमिट होगा तब तक चलेगा, और उसी डेटा ट्रांसफ़र होने के टाइम आपको छोड़ देना नहीं है, दबा के रखना है। देखिए, दिखा दे रहा हूँ मैं, देखिए ग्रीन LED चल रहा है, बंद हो गया, ठीक है। मतलब बंद होने के बाद ही आपको छोड़ना है, ठीक है। पूरा बंद, ग्रीन LED बंद, मतलब 1 सेकेंड आपको दबा के रखना है, उसके बाद छोड़ देना है। तो इसका जो की का प्रेस करने का टाइम है 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड दबा के रखना है, तो 1, 2, 3, ठीक है। तो हमारा सेकेंड रिले ऑन हुआ है, तो सेकेंड रिले को हम ऑफ कर दिया, सेकेंड रिले ऑन, सेकेंड रिले ऑफ, फर्स्ट रिले ऑन, फर्स्ट रिले ऑफ, थर्ड रिले ऑन, थर्ड रिले ऑफ, ठीक है। थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसी तरह आप 8 चैनल को कंट्रोल कर सकते हो इसी रिमोट के थ्रू। तो ये अगर दबाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं हो, क्योंकि चैनल अभी कटा हुआ है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा इसकी दबाने से, ठीक है। तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो भी अभी बात करें सर्किट के ऊपर, ये जो हमारा पूरा सर्किट देख पा रहे हैं आपको, मैं लास्ट में अच्छे वाला सर्किट दूंगा वीडियो की लास्ट में, तभी जस्ट को बता दे रहा हूँ आपको। इसके अंदर जितना भी कंपोनेंट यूज़ किया गया है आपको बाईपास नहीं करना है, जितना भी वैल्यू लगाया गया है आपको एक्यूरेसी के साथ लगाना है, ठीक है। ये जो हमारा GQ0, देखिए पिन नंबर नहीं लिखा गया है आईसी के ऊपर, तो आप पिन नंबर को चेक करके लगाइएगा। Q0 को हम एक LED लगाएंगे, और LED की प्रोटेक्टिव रजिस्टर हम 10 के लगाएंगे, जो कि इसमें लगाया गया है एक रेड LED। तो आप एक LED लगाएंगे कि भी इनिशियल पॉइंट पर रहेगा, रिसेट पॉइंट पर रहेगा, तो उसमें हम चैनल को ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद Q1, Q2, Q3 हम Q1 का के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, Q2 को इसी तरह, Q8 को हम कर इसके साथ Q8 के साथ कनेक्ट करेंगे, 9 को छोड़ देंगे। क्यों को छोड़ देंगे, हम काफ़ी सारी बात कहना था तो अभी नहीं, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो Q9 को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा आउटपुट है, इसमें रिले कनेक्ट नहीं करना है। ये जो हमारे एक्स आउट है, क्या है, एक्स आउट, हम एक को लिख दिया हूँ, ठीक है। एक्स आउट सारे एक्स आउट है, ठीक है। तो इसमें आपको लगाना है एक एक बाईस्टेबल लगाना है। मेरे पास 2 तरह की बाईस्टेबल है, बाईस्टेबल सर्किट है, तो आपको जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो, आपकी आपको जो इजी लगे, ठीक है। दिखा दे रहा हूँ इसको, मैं फ्रेश दिखाऊंगा लास्ट में। तो 5 वोल्ट सप्लाई देना है, ग्राउंड सप्लाई देना है, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर हमारा जे पूरा सर्किट में नोट कर लीजिए, जितना भी NPN ट्रांजिस्टर है, BC547 है, जितना भी PNP ट्रांजिस्टर है, 557, ठीक है। तो सारे के सारे यही कंपोनेंट है। ये देख रहे एक्स इन, मतलब एक चैनल हम इधर से उठा के इधर लगा देंगे, और ये जो एक्स इन है एक्स आउट के साथ लगा देंगे, मतलब एक्स आउट होके इन पर जा रहा है, ठीक है। तो कनेक्ट कर देंगे। ये जो है ट्रांजिस्टर वर्सन है, तो इसमें रिले कैसे लगाना है दिखा दे रहा हूँ। एक इधर एक ट्रांजिस्टर लगाना है,
एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। इधर देखिए ग्राउंड के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका जो बेस है, इधर हम एक 10K का रजिस्टर लगाएंगे। 10K रजिस्टर लगाने के बाद ये जो हमारा आउटपुट है इसको हम देखिए लगा दे रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ लगा देंगे। ओके, लगा दिया। उसके बाद इधर हम एक रिले को जोड़ेंगे, एक रिले लगा दिया। तो रिले आप NONC क्या हिसाब से डिज़ाइन करेंगे तो आपके ऊपर है, तो NONC लगा देंगे। इसका अगर 12 रिले अगर 5 वोल्ट का है तो हम इस 5 वोल्ट के साथ जुड़ सकते हैं। रिले अगर 12 वोल्ट है तो अलग से 12 वोल्ट देना होगा, ठीक है। तो मैंने भी ऐसा ही किया हूँ, पूरा सर्किट में 12 वोल्ट सप्लाई दे दिया हूँ, ठीक है। तो 5 वोल्ट से हमारा कंट्रोल सर्किट में पूरा जितना भी कंपोनेंट है सबको 5 वोल्ट सप्लाई दिया गया है और 12 वोल्ट से रिले को दिया गया है। तो इसी हिसाब से आप डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, जो एक सीन है हमारा तो एक साउट के साथ कनेक्ट है, ये एक चैनल हुआ। तो 8 चैनल लगाएंगे तो आप 8 चैनल लगा सकते हो। और मान लीजिए आपको 5 चाहिए तो 5 यूज़ करें, बाकी तो यूज़ ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 चैनल लगाया, 1 2 3 4 5, तो इस ट्रांजिस्टर की इस ट्रांजिस्टर को भी आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। जितना ज़रूरी है लगाइए, क्योंकि हमारा इनेबल सिग्नल है, जितना भी चैनल यूज़ करना है आपको लगाना है इसी तरह, ठीक है। और एक वर्सन है 555 टाइमर की वर्सन है, जो कि IC वर्सन है, वो हमारा ट्रांजिस्टर्स के साथ बना सकते हो। ट्रांजिस्टर बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, उसको ऐड कर सकती हो, नहीं तो ये ऐड कर सकती हो। इसमें रिले लगाया गया है, ठीक है, देख सकते हैं। 5 और 7 पिन को छोड़ देंगे, यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद 10K जितना भी आप कंपोनेंट दिख रहा है सबके सब लगे, BC547 है। मैंने कह दिया कि जितना भी ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है BC547 और PNP557, ठीक है, लगा दीजिए। ये हमारे दिख रहे XIN है, इधर कुछ गलत कर दिया था तो इसको काट दिया। फिर इसका जो टर्मिनल है हम XIN, तो ये XIN हम चैनल में यूज़ कर सकते हैं। आपको चाह रहे कि ट्रांजिस्टर से हमको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, IC यूज़ करना है, तो आपको 8 चैनल के लिए 8 IC यूज़ करें, अलग अलग इंडिविजुअली डिले को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। देखिए हमने उसी तरह सेम सर्किट है, ग्राउंड जो है ग्राउंड सप्लाई दे दिया और उसके बाद एक रिले लगा के 12 वोल्ट सप्लाई दे दिया, इसको 5 वोल्ट देना है, ठीक है, सेम है। तो आप जितना चाहे बना यूज़ करें, मतलब करना है कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको हमने कह दिया कि 99 चैनल तक बना सकते हो, ठीक है। उसका सर्किट कुछ अलग होगा, मतलब कंट्रोल सर्किट सेम रहेगा, कुछ डिज़ाइन सर्किट सेम ही रहेगा, कुछ और भी कुछ सर्किट ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी देख लीजिए, देखिए हमारा जो एक्स आउट है, जो सेंसर हमारा है आयर रिसीवर मॉड्यूल, इससे सिग्नल जाके दो तरह से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम देखिए डिवाइड हो गया, इसमें सेम ये जो सिग्नल है यही हमारा डेटा है, इसमें हम डेटा रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसीवर है। तो इसके साथ हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, सीधा एकदम क्लॉक में लगा देंगे, IC का जो क्लॉक है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा सर्किट है, मतलब डिवाइड कर दिया SQ, मतलब रिसीवर मॉड्यूल से जो आउटपुट आ रहा है हम दो तरह से डिवाइड कर दिया, एक इसको दिया एक इसको दिया। तो क्लॉक के साथ हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसके साथ हम ऑटो रिसेट का सर्किट जोड़ेंगे, ऑटो रिसेट का सर्किट के जा रहा है, ये हमारा ऑटो रिसेट सर्किट है, ऑटो रिसेट सर्किट में चला गया, ठीक है। और एक है हमारा इनेबल और डिसेबल सिग्नल को एक्टिवेट करने के लिए, तो ये हमारा इनेबल सर्किट में गया है, अब दूसरे से डिवाइड हो गया। देखिए इधर भी एक सिग्नल चला गया, इसको ये जितना भी हमने जितना भी डायोड को यूज़ किया हो 4148 का, क्योंकि ये डायोड का भी छोटा होता है, इसीलिए यूज़ किया हूँ, ठीक है। जितना भी कंपोनेंट यूज़ किया गया है कुछ भी आपको बाईपास नहीं करना है। 1 माइक्रोफेरेड मतलब 1 माइक्रोफेरेड लगाना है, 2.2 मतलब 2.2 लगाना है, 4.7 मतलब 4.7 ही लगाना है, क्योंकि इसी से हम हमारा जो क्वांटम सिग्नल है बन रहा है, तो इसको एकदम बाईपास नहीं करना है। देख लीजिए सर्किट एक बार, ठीक है। अभी आते हैं रिमोट के ऊपर, रिमोट का खोल रहा हूँ। देखिए रिमोट को पहले तो एकदम नहीं लगाया हूँ, खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी भी इसको ठीक से, मतलब इसका ये हमारा जो है चार्जिंग पोर्ट के साथ जोड़ेंगे, उसमें की स्विच को यूज करेंगे, दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो हमारे ऑटो रिसेट का
कैपेसिटर है, इधर अगर कैपेसिटर सर्किट के अंदर लगा देता तो शायद इसमें फिट नहीं होगा। देखिए इधर हमने एक ब्लैक टेप लगा दिया, एक रेड टेप लगा दिया, उसके बाद क्या किया हमने इसके ऊपर को इसको चिपका दिया की को, ठीक है, तो इसे हिलाएंगे तो हम गिरेगा भी नहीं, तो इसलिए इसका पीवीसी पाइप से बनाया हो, ठीक है। अब तो आपकी डिज़ाइन के हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रेम या कैबिनेट कह सकते हैं, हो गया। उसके बाद हमारा आ गया रिमोट का सर्किट, ठीक है। इसमें दो ट्रिपल फाइव टाइमर का यूज़ किया गया है और एक CD4017 IC है, ठीक है। एक ऑप्टो कबलर यूज़ किया गया है, ऑप्टो कबलर आज हम बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक है। ऑप्टो कबलर लगाना है इधर, अगर ऑप्टो कबलर नहीं यूज़ करता तो सर्किट काफ़ी बड़ा हो जाता, इसीलिए ऑप्टो कबलर को यूज़ किया गया है। तो एक LED लेंगे और एक LDR लेंगे हम, ठीक है। एक LDR और एक ऑप्टो कबलर लेंगे, एक LDR और एक LED लेंगे। देखिए LED के साइड में जो नॉच होता है, साइड में जो इधर एक थोड़ा सा नॉच होता है ना, उसको इसी तरह हम काट देंगे पूरा का पूरा काट देंगे। काट देंगे तो इधर मतलब देखिए नहीं घुस रहा है तो घुस जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने तो बना लिया, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। और एक LDR आपको इधर लगा देना है बीच में। उसके बाद ये जो पाइप देख रहे हैं आप, हीट सिंक पाइप है, ठीक है, हीट सिंक पाइप। उसके बाद हम हीट कर देंगे पूरा इसी तरह हीट मार देंगे तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा हमारा। तो ये हमारा ऑप्टो कपलर हो गया है, ठीक है। तो अब अच्छे से डिज़ाइन कर लेंगे क्योंकि हमने आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बना लिया हूँ, ठीक है। ऑप्टो कपलर बना लिया हूँ, ठीक है। तो ऑप्टो कपलर है, इसमें भी जितना भी रजिस्टर का एकदम यूज़ नहीं, बाईपास नहीं करना है, सेम टू सेम लगाना है आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सर्किट, ठीक है। इसका बेस फिर हम सर्किट को दिखाएंगे आपको, एक बार ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम बात कर लेंगे। हमारा देखिए पीकॉन पावर कंट्रोल का मैंने यूज़ नहीं किया हूँ कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पीकॉन मतलब पावर कंट्रोल सर्किट है, तो हमने यूज़ नहीं किया। कैरियर सिग्नल देखिए, मेरा IR रिसीवर और मॉड्यूल और ट्रांसमीटर मॉड्यूल जो कि IR LED है, काफ़ी सारे बात किया हूँ उसको देखना है आपको, एक बार प्रैक्टिकल देख लीजिएगा क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक कैरियर सिग्नल है, ये हमारा पाल सिग्नल है, ठीक है। जब हम Key 1 को दबाएंगे तो Key 1 दबाने के बाद हमारा एक पल्स, सिर्फ एक ही पल्स ट्रांसफर होगा। दो नंबर की को दबाने से दो पल्स ट्रांसफर होगा, तो इसी तरह की को ट्रांसफर मतलब सिग्नल ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो हम की तो इधर की दबा दे रहे हैं तो कंट्रोल सर्किट उसको तय करता है कितना सिग्नल आगे भेजना है नहीं भेजना है, ठीक है। तो इधर है हमारा काउंटर, तो काउंटर क्या करेगा, हमने की दो दबाया तो दो सिग्नल भेज के फिर ऑफ कर देगा, वो ऑफ कर रहा है कंट्रोल सर्किट, उसको ऑफ कर रहा है। तो ये सारे के सारे चीज़ को कंट्रोल सर्किट कंट्रोल करके भेज रहे आगे, ठीक है। और एक नोट बता दे रहा हूँ, अगर आप 3.7 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये जो हमारा रजिस्टर है R1 है, ठीक है, R1 रजिस्टर है, आपको नहीं लगाना है, डायरेक्ट लगा दीजिएगा, ठीक है। डिस्टेंस काफ़ी मतलब सिग्नल काफ़ी हाई, दूर से भी काम कर सकते हो, ठीक है। अगर 5 वोल्ट यूज़ करना है तब 32-56 ओम्स लगाना है IR जो हमारा LED है उसमें, ठीक है। इधर रेड हमारा इंडिकेटर LED चार्जिंग और ट्रांसमिशन LED है, तो इसमें काफ़ी सारी बात करना था तो ठीक है अभी छोड़ दे क्या करें। देखिए पल्स हम का क्लॉक का भी कितना पता है आपको, मतलब आप क्लॉक के बारे में, क्लॉक सिग्नल के बारे में आपको कितना पता है, मेरे को नहीं पता, तो आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा बॉडी में हमारा हार्ट क्या करता है, पल्स क्रिएट करता है। पल्स किस लिए क्रिएट करता है, क्योंकि हमारा ब्लड को पम्प करता है। ब्लड इसीलिए पम्प करता है कि हमारा जो स्किन सेल है, हमारा बॉडी जो है स्किन सेल से बना है, तो हर एक स्किन सेल को जिंदा रखने के लिए हर एक स्किन सेल को ब्लड भेजना पड़ता है। तो भेजता है क्या, कौन, हार्ट भेजता है, तो हार्ट इसलिए ब्लड को पम्प करता है, ठीक है। ब्लड पम्प नहीं करेगा तो ब्लड आगे नहीं जाएगा, इसी तरह हमारा सिग्नल आगे नहीं जाएगा हम पल्स अगर नहीं देंगे तो, ठीक है। जैसे हमारा ब्लड भी ब्लड सेल से बना है, मतलब रक्त कणिका
ऐसा कुछ कहते हैं। देखिए मैं बायोलॉजिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, बायोलॉजी का। तो क्या होता है, ब्लड में भी ब्लड सेल होता है छोटे छोटे, उससे ब्लड बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए ब्लड सेल है और ये है पल्स है, तो हर एक ब्लड को एक अमाउंट ब्लड को जल से भेज रहा है, ठीक है। कभी काफ़ी सारी बात करना था अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे बात और भी करेंगे, ये तो हमारा सिर्फ एक डेमो है। तो इससे भी कॉम्प्लेक्स सर्किट बना सकता हूँ आपके लिए, आप जो बोले आप डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है भैया मेरे को ये चाहिए मैं दे दूँगा आपको। ये तो कुछ भी नहीं है, तो सिंपल एक सर्किट है छोटा मोटा। अगर मान लीजिए अगर 10-12 IC यूज़ करूँ या 500 IC यूज़ करके कोई सर्किट बनाऊँ तो कितना, मतलब कितना पावरफुल होगा बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, सर्किट पर आता हूँ। सर्किट में इसमें भी सेम ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। दो TBL5 टाइमर है जो कि कैरियर सिग्नल को जनरेट कर रहा है, ये हमारा पाल सिग्नल को जनरेट कर रहा है। इधर 4.7 के दो पैरेलली लगाना है, 1.8 के इधर लगाना है, जितना भी है कंपोनेंट बता दे रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। जो 1.2 मेगा ओम से आप इधर लगा सकते हो। देखिए हमारा ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर के है 470 रजिस्टर लगाना है, ठीक है। तो सर्किट हम दे देंगे। और एक बात कहना है, इधर देख लीजिएगा हमारा जो चैनल है 8 चैनल है, तो Q0 और Q1 को हम छोड़ देंगे, ठीक है छोड़ देंगे। हम यूज़ करेंगे सिर्फ Q2 Q3 का। पिन नंबर नहीं दिया हूँ मैं आपको, पिन नंबर लगा देना है, ठीक है पिन नंबर लगा देना है आपको। इधर जो हमारा सेक्शन है, इधर एक बैटरी लगाना है, इधर चार्जिंग पोर्ट यूज़ कर सकते हो, सी टाइप बी टाइप कुछ भी। चार्जिंग LED है, फ्लैश लाइट का LED है, आप लगा सकते हो, ऑप्शनल है फ्लैश लाइट का, ठीक है। इधर एक LED लगाया गया है जो कि हमारा TLED ट्रांसमिशन LED है, ठीक है। और रेड हमारा यही जो रेड लगाया था मैं, चार्जिंग LED है। तो देख लीजिए सर्किट पूरा के पूरा। हाँ अच्छा ठीक है, एक बात कहना है, टेबल फॉर इधर उधर कहा था क्योंकि और PR प्रोटेक्टिव रजिस्टर है। अब PR क्या है, अब 0 ohms और 556 ohms लगाना है। अगर 3.7 volt दे रहे हैं तो 0 ohms ही लगाना, मतलब कोई भी रजिस्टर लगाना डायरेक्ट जोड़ देंगे। 5 volt यूज़ करें तो 56, मतलब 30 to 56 के अंदर लगाएंगे, ठीक है। डी काउंटर CD4017 IC है, ये भी है 4017 IC, ठीक है CD4017 IC है। तो पिन नंबर को देख के लगाइएगा, ठीक है। तो मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी सारा मेहनत किया हूँ इसको, इस वीडियो को, क्योंकि मेरे पहले तो मैं कहा था कि बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए, बहुत सारे लाइक चाहिए, तो आपने करके दिखाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इस देखिए इस आइडिया को शेयर करें ज़रूर, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा शेयर करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारा सर्किट है, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलता हूँ नेक्स्ट कंटेंट पर, मतलब नेक्स्ट कंटेंट जब आएगा तब मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, इसी तरह जुड़े रहे मेरे साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।